फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो मैं लास्ट लेक्चर में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक रिलेशन डिस्कस किया था, उसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में आज सीखेंगे। ओके, जो लास्ट लेक्चर में रिलेशन टॉपिक के डिस्कस किया था कि व्हाट डू मीन बाय रिलेशन, व्हाट डू मीन बाय सेट, सबसेट एंड बहुत सारे बेसिक थिंग्स थे वहाँ पे डिस्कस किए थे, और जो रिलेशंस थे उनको ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट किया था। उसी से नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसमें हम डिफाइन करेंगे प्रोडक्ट सेट्स इन आर रिलेशन। ओके, तो प्रोडक्ट मीन्स टू आर्बिट्रेरी सेट्स ए एंड बी। ओके, दो हमारे पास आर्बिट्रेरी सेट्स हैं ए एंड बी। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। मीन्स जो ए है स्मॉल ए, इट इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ओके, एंड स्मॉल बी जो है इट इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। इज कॉल्ड द प्रोडक्ट आर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ओके, तो मीन्स ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए और बी सेट, सेट ए एंड सेट बी का इक्वल टू डिफाइन किया हमने ए कॉमा बी, एक पेयर है इज सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट पेयर कब होगा, जब सेट, जब ए जो एलिमेंट है बिलोंग कर रहा हो सेट ए को एंड बी एलिमेंट बिलोंग कर रहा हो सेट बी को। ओके, सपोज एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं यहाँ पे हम, सपोज बी है वह सेट ए, एक एलिमेंट्स है 1, 2। ओके, एंड सेट बी इसके एलिमेंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी, देन वी विल फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू फर्स्ट सेट ए 1, a 1, b 1, c 2, a 2, b एंड 2, c। सेम फाइंड करेंगे हम बी क्रॉस ए। क्लियर, बी क्रॉस ए मीन्स ए कॉमा वन बी कॉमा ए कॉमा वन ए कॉमा टू ए कॉमा टू। ओके, नेक्स्ट बी कॉमा वन बी कॉमा टू सी कॉमा वन सी कॉमा टू। ओके, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइंड था, प्रोडक्ट सेट्स डिफाइंड थे फ्रॉम ओवर सेट ए एंड सेट बी। हमें फाइंड आउट करेंगे ए क्रॉस ए। ओके, ये प्रोडक्ट सेट है सेट ए के, तब जाएगा हमारे पास मीन्स ए क्रॉस ए डिफाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए के एलिमेंट्स थे 1, 2 मीन्स 1, 1 2 2, 1 and 2, 2। सेम वे में बी क्रॉस बी सेट बी के एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी कॉमा सी ए कॉमा बी कॉमा सी। ओके, तो जाए ए कॉमा ए कॉमा बी ए कॉमा सी बी कॉमा ए बी कॉमा बी बी कॉमा सी सी कॉमा ए सी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी। ओके, तो ये दीज आर द मेथड ऑफ फाइंडिंग प्रोडक्ट सेट्स। ओके, तो मीन्स जैसे आप सपोज यहाँ डिफाइन किया ए क्रॉस बी। ओके, तो ए के एलिमेंट से 1, 2 एंड बी के एलिमेंट से ए कॉमा बी कॉमा सी। क्लियर, तो दीज आर द पेयर्स 1, a 1, b 1, c। ओके, एंड सो ऑन, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ, दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, हेयर जो 1, a या 1, b या 1, c इज एन ऑर्डर्ड पेयर, इज एन ऑर्डर्ड पेयर, इज एन ऑर्डर्ड पेयर दैट इज ए बिलोंग्स टू सेट ए, सॉरी वन इज बिलोंग्स टू सेट ए एंड ए इज बिलोंग टू सेट बी। ओके, सेम बेम सेम भी फाइंड आउट किया था बी क्रॉस से, दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ बी क्रॉस ए। ओके, हेयर वन ए कॉमा वन इज एन ऑर्डर्ड पेयर दैट इज ए बिलोंग्स टू सेट बी एंड वन इज बिलोंग टू सेट ए। ओके, रिलेशन वी कैन से दैट रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट वी मूव टू द टॉपिक इनवर्स रिलेशन। ओके, व्हाट डू मीन बाय इनवर्स रिलेशन, वी डिफाइन हियर लेट आर बी एनी रिलेशन फ्रॉम ए फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी। ओके, यहाँ पे रिलेशन आर हमने डिफाइन किया फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, द इनवर्स ऑफ आर डिनोटेड बाई आर इनवर्स दिस सिंबल
इज द रिलेशन फ्रॉम बी टू ए विच कंसिस्ट ऑफ दोज हिस्ट विच कंसिस्ट ऑफ दोज ऑर्डर्ड पेयर्स विच वेन रिवर्स बिलोंग्स टू आर. ओके, मीन्स हमने जो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है एक रिलेशन जो आर इनवर्स जो डेफिनेशन दिखाने यहाँ पे बी कॉमा ए इज सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए. मीन्स क्या हुआ, जो रिलेशन आर इनवर्स है, एक हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर था ए कॉमा बी, वो बिलोंग्स टू रिलेशन आर को. ओके, तो इस पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर या रिलेशन का जो इनवर्स रिलेशन क्या है, वो ऑर्डर्ड पेयर है बी कॉमा ए. ओके, सिमिलर द इनवर्स ऑफ द रिलेशन आर. ओके, सपोज एग्जाम्पल हिट करते हैं, आप एक रिलेशन हमारे पास आर है, उसमें ऑर्डर्ड पेयर हैं वन कॉमा वाई, वन कॉमा जेड एंड थ्री कॉमा वाई. ये डिफाइंड है सेट फ्रॉम ए टू सेट बी. सेट ए के एलिमेंट्स हैं वन कॉमा टू कॉमा थ्री, बी के एलिमेंट्स हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड. ओके, इसका हम इनवर्स रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, मीन समझ से बताया था. तो जो आर इनवर्स वो आ जाएगा वाई कॉमा वन, जो रिलेशन हमें दिया हुआ है. नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर वन कॉमा जेड तो हो गया जेड कॉमा वन, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर था थ्री कॉमा वाई, तो इसका इनवर्स पेयर आ गया वाई कॉमा थ्री. ओके, मींस आर इनवर्स जो इनवर्स रिलेशन आया, अगर उसका फिर अगेन हम इनवर्स रिलेशन फाइंड आउट करें तो हमारा जो ओरिजिनल रिलेशन आर था वो हमें मिल जाएगा. ये सपोज आर इनवर्स ही आ गया, अगर इसका हम यहाँ पे अगेन इनवर्स रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास जो ओरिजिनल रिलेशन तो आ जाएगा वन कॉमा वाई, वन कॉमा जेड, थ्री कॉमा वाई. ओके, मींस क्लियर. जो इनवर्स रिलेशन फाइंड आउट किया उसका अगर अगेन हम इनवर्स रिलेशन फाइंड आउट कर देते हैं तो हमारा हमें अपना ओरिजिनल जो रिलेशन है वो मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस ऑन फाइनाइट सेट्स, मीन्स रिलेशंस को फाइनाइट सेट के ऊपर किस तरीके से परफॉर्म करेंगे. क्लियर, एक रिलेशन में यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे एलिमेंट्स हैं सेट के वन टू थ्री एंड नेक्स्ट सेट बी के एलिमेंट्स हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड. यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर शो हो रहे हैं क्लियर है. तो हमने कहा जो फर्स्ट सेट था उसको हमने रो में प्रेजेंट, उसके एलिमेंट्स को रो में प्रेजेंट किया हुआ है. नेक्स्ट जो सेट उसके एलिमेंट्स को हमने कॉलम में प्रेजेंट किया हुआ है एक्स बाई जेड. अब सपोज यहाँ पे वन जो सेट ए का एलिमेंट था वन, उसका बी के एलिमेंट से रिलेशन है या नहीं, वन का एक्स से कोई रिलेशन है डायग्राम में देख रहे हैं नहीं, तो यहाँ पे जीरो पुट किया. वन का रिलेशन वाई से है तो यहाँ पे वन तो यहाँ पे वैल्यू आ गई वन. नेक्स्ट वन का जेड से हाँ है तो यहाँ पे आ गई वैल्यू वन. ओके, तो दीज जो एंट्रीज हमने फिल की है जीरो फॉर्म की वो इस रिलेशन के बेस पे की. यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट है टू, टू का एक्स रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, पेयरिंग नहीं है तो यहाँ पे आ गया जीरो. टू का बाईस से, बाईस से कोई पेयरिंग नहीं तो आ गया जीरो. टू का जेड से तो आ गया यहाँ वैल्यू जीरो. नेक्स्ट थ्री का एक्स से रिलेशन नहीं है तो आ गया वैल्यू जीरो. थ्री का बाईस से यहाँ पर रिलेशन है, थ्री का बाईस से तो वैल्यू आ गई वन, थ्री का जेड से नहीं है. ओके, तो मैं जो हमारे पास रिलेशन है वो क्या आया, वन कॉमा वाई, वन कॉमा जेड, यहाँ पे कोई नहीं एंट्री, जो जहाँ पे एंट्री वन वाल कंसिडर करने हैं हमें थ्री, इस रो में थ्री कॉमा बाई. ओके, तो ये मेथड था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस ऑन फाइनाइट सेट्स. थैंक यू.